الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين आपकी दानिशमंदी को आपकी बहादुरी को सलूट अर्ज करता हूं कि न सिर्फ आपने इस फैसले के ऊपर कि दो तंजीमों के सदूर को गैर आइनी तरीके से हटाया गया, आपकी जुर्रत और आपकी दलेरी को इसलिए सलाम करता हूं कि आप कारकुनों ने रावलपिंडी कैंट इलेक्शन के अंदर आप लोगों ने यह साबित किया है कि आप इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं और आज भी आपने यह साबित किया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सच्चे सिपाही हैं। आप किसी भी गैर आइनी गैर कानूनी गैर इखलाकी और नाइंसाफी पे मबनी किसी भी फैसले के खिलाफ आप डट जाने वाले लोग हैं। आपकी जुर्रत को सलाम। ये जो पटाखों की बात हो रही थी और मैं कहता हूं कि आपसे जुर्रत वाले हिम्मत वाले तो हम हैं, वो चाहे हमारी पार्टी हो चाहे किसी और की पार्टी हो, हम इंसाफ की खातर हक की खातर सच की खातर लड़ने वाले हैं, मरने वाले हैं। वो जाओ जाके पहले अपनी पार्टी के अंदर तो सुलह करवाओ, पहले अपनी पार्टी के लीडरों को तो लाओ। और तुम में तो इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम उनके सामने बात क्या, मैं कहता हूं तुम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। और इंशाअल्लाह ताला हम इस हक और सच की जंग में इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके सबसे अव्वल के खिलाड़ी होंगे। और मैं ये एक बात और वाजे करता चलूं, ये जो कुछ दाएं बाएं ये चूहे छोड़ रहे हैं ना हमारे नॉर्थ वाले और जनरल सेक्रेटरी साहब, ये जो कहते फिरते थे ना कि ये एमएनए और एमपीए तंजीमों को जूती की नोक पे लिखते हैं, और मैं आज कहता हूं हम आपको जूती की नोक पे लिखते हैं। हमारी ताकत से, हमारी मेहनत से, हमारे पैसे से, हमारी जस्तजू से आप लोग आज एमएनए एमपीए बने हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह। और ये रात की तारीकी में ये जो फैसले करते हैं ना, उसका फैसला आज रावलपिंडी कैंट वालों आपने भी दे दिया है। और मैं जुर्रत को सलाम करता हूं मेट्रोपॉलिटन की तमाम तंजीमों को। खुदा वाहिद, मैंने किसी को फोन नहीं किया हो मेरे साथ जुल्म हो गया हो। जब मुझे पता चला तो यकीन करें कि मैं ख्याबाने सर सैयद ईद मिलादुन नबी के जुलूस की हम उसमें जा रहे थे, तो जब वापस मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो 50 से 60 लोग हमारे दोस्त कारकुन भाई हमारे वहां मौजूद थे। सिर्फ 6-8 घंटों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा मरहम अल्हम्दुलिल्लाह कि वो दूसरे दिन एक हमने मुशावरत मीटिंग रखी। आप यकीन करें कि 300 से 400 कारकुन हमारे साथ खड़े थे। मैं उनकी जुर्रत को उनकी इस दानिशमंदी को सलाम पेश करता हूं। मेरे दोस्तों भाइयों, बड़े वसूख से कह रहा हूं, बड़े यकीन से कह रहा हूं, जब तक हम इमरान खान साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इन पार्टी के जो खोटे सिक्के हैं, जिस तरह कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मेरी जेब, मुझे अफसोस है कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, इसी तरह मैं समझता हूं कि इस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ये अमर क्यानी ये सदाकत तबासी खोटे सिक्के हैं। और सरदार यूसुफ ने कहा था कि ये वो खोटे सिक्के हैं कि इनको रेत से भी रगड़ो तो ये नहीं होते, इंशाअल्लाह ताला रेत से नहीं इनको आग की भट्टी में डालेंगे हम। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। और मेरे जो दोस्त कारकुन भाई
उनके लिए एक शेर अर्ज करता चलूंगा कि दुनिया में उस्सा कतील मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हम जमहूरी तर से बगावत करेंगे, करते रहेंगे, और जब तक हक और सच की फतह नहीं होती इंशाअल्लाह ताला ये कारवां चलता रहेगा। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासर हो। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।